हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। मैं ओलुमिया और आप देख रहे हैं स्टडी फीड। दोस्तों, आज का टॉपिक है बैडमिंटन कोर्ट के मेजरमेंट्स के बारे में। तो उसमें यही चीज ऐड किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और सभी टॉपिक को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें ऐड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं बैडमिंटन कोर्ट के बारे में। दोस्तों, बैडमिंटन कोर्ट का आकार जो होता है, यानी दिशा जो होता है, उत्तर दक्षिण आयताकार होता है। कैसा होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में और आयताकार होता है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है और वीडियो में कि केवल एक खो खो खेल ही ऐसा है जिसका मैदान पूर्व पश्चिम दिशा में बनाया जाता है। बैडमिंटन के एकल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई 44x17 फीट यानी 13.40x5.18 मीटर। दोस्तों, ये मैंने बताया है कि एक फीट में 30 सेंटीमीटर होता है। तो यदि आपको फीट याद है ना, तो यदि वो मीटर में भी पूछेगा तो फीट से आप मीटर में कन्वर्ट करके सही आंसर लगा सकते हैं। तो 44x17 फीट इसकी एकल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई होती है, युगल कोर्ट की 44x20 फीट। तो एकल कोर्ट की लंबाई गुड़े चौड़ाई 44x17 फीट यानी 44 फीट आपका 44 फीट यानी 13.40 मीटर आपका लंबाई हो गया, और 17 फीट यानी 5.18 मीटर चौड़ाई हो गया। वही युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई 44x20 फीट होता है, लंबाई सेम होता है बट फीट में अंतर हो जाता है। एकल की 17 फीट होता है चौड़ाई, तो युगल की 20 फीट होता है। तो लंबाई इसकी युगल कोर्ट की जान रहे हैं 44 फीट 13.40 मीटर, बट चौड़ाई हो जाएगा 20 फीट युगल के लिए यानी 6.10 मीटर। कोर्ट को चिन्हित करने वाली रेखाएं जो होती हैं 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। जो विभिन्न रेखाओं से कोर्ट बनता है वो सब कितना मोटा होता है, उसकी मोटाई कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। 60 सर्विस लाइन, जो 60 सर्विस लाइन होता है वो सेंट्रल लाइन से कितनी दूरी पर होता है? 6.5 फीट यानी 6 फीट 6 इंच अर्थात मीटर में 1.98 मीटर। 6.5 फीट बोल रहा है तो 6 फीट में कितना होगा? ये आपको फीट याद है तो 1 फीट में कितना होता है? 30 सेंटीमीटर। तो 6 में 3 से गुणा करेंगे, 6×3 18 हो गया, मतलब 180 सेंटीमीटर हो गया ना। और आधा फीट और जोड़ लीजिए, ठीक ना, 15 सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो जाएगा? तुरंत हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट, यदि फीट याद है आपको तो, या मीटर याद है तो। तो 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, ये सब भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है मेजरमेंट के लिए। और मेजरमेंट में फीट और इंच और मीटर तीनों में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरह से एग्जाम में पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और जो है सर्विस एरिया जो है 2 भागों में बटा होता है, ए और बी यानी लेफ्ट राइट कुछ भी बोल सकते हैं। बैक गैलरी की चौड़ाई जो होता है बैडमिंटन में, जो बैक गैलरी होता है वो 76 सेंटीमीटर होता है। 76 सेंटीमीटर यानी 2.5 फीट, यानी 2.5 फीट का मतलब 2 फीट 6 इंच, या इसको 2/2 फीट बोलेंगे तो भी 2.5 फीट ही बोला जाएगा, ठीक। और साइड गैलरी, बैक गैलरी तो 76 सेंटीमीटर हो गया यानी 2.5 फीट, और साइड गैलरी जो होता है एकल के लिए साइड गैलरी 46 सेंटीमीटर होता है यानी 1.5 फीट यानी 1 फीट 6 इंच। और युगल के लिए साइड गैलरी की चौड़ाई जो है 76 सेंटीमीटर होता है यानी 2.5 फीट यानी 2 फीट 6 इंच। तो यहाँ पे युगल के लिए साइड गैलरी और बैक गैलरी दोनों की सेम चौड़ाई होती है 76 सेंटीमीटर, और एकल के लिए 46 सेंटीमीटर, इतना याद कर लीजिए। मार्किंग लाइन जो होता है, जो मार्क किया जाता है जिन लाइनों से ग्राउंड की, वो सफ़ेद या पीले रंग की होती है। अक्सर सफ़ेद रंग की सभी की होती है, बट ये सफ़ेद या पीले रंग दो में से एक मार्किंग कर सकते हैं। और नेट की लंबाई, जो इसमें नेट होता है बीच में सेंटर में पोल में बंधा हुआ, उसकी लंबाई जो है 20 फीट होती है। कितनी होती है? 20 फीट, 20 फीट लंबाई होती है। और चौड़ाई कितनी होती है? 2 फीट 6 इंच यानी 76 सेंटीमीटर। 2 फीट 6 इंच है ना, तो इसका मतलब 76 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे लिखे नहीं है बट मैं बोल दे रही हूँ 2 फुट 6 इंच। कोर्ट के किनारे पर नेट की ऊपरी सिरों की ऊंचाई
जो कोर्ट के किनारे पर नेट की ऊपरी सिर होती हैं उसकी ऊंचाई जो होती है 5 फीट 1 इंच होती है, यानी 1.55 मीटर। वही भी मध्य में जो होता है किनारे पे तो 5 फीट 1 इंच 1.55 मीटर होता है, बट मध्य में 5 फीट होता है यानी 1.525 मीटर। तो किनारे पर मध्य में ये जरूर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये बैडमिंटन का में ये फॉल्ट जरूर पूछा जाता है कि नेट के ऊपरी सिरों की ऊंचाई किनारों पर कितनी होती है, तो 5 फीट 1 इंच यानी 1.55 मीटर, बट मध्य में कितना होता है, तो 5 फीट यानी 1.525 मीटर। अब पोल की ऊंचाई कितनी होती है, जो गड़ा होता है उसमें 1.55 मीटर होता है, यानी कि किनारों पर नेट की नेट के ऊपरी सिरों की ऊंचाई जो होती है 5 फीट 1 इंच 1.55 मीटर, उतना ही पोल की भी ऊंचाई होती है 1.55 मीटर। इंडोर स्टेडियम में छत की ऊंचाई बैडमिंटन के लिए कितना होता है, 9 मीटर होता है। दोस्तों मैं बताई हूँ कि बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया और बास्केटबॉल हो गया, ये इंडोर गेम इंडोर के रूप में भी खेला जाता है, तो इनकी इंडोर के लिए छत की ऊंचाई जो है ये अक्सर पूछा जाता है। तो बैडमिंटन के लिए तो बता रही हूँ कि स्टेडियम में छत की ऊंचाई जो होती है 9 मीटर होता है, और वॉलीबॉल के लिए 12.5 मीटर होता है यानी 12.50 मीटर, और बास्केटबॉल के लिए इंडोर स्टेडियम में छत की ऊंचाई कितनी होती है, 7 मीटर होता है, कितना होता है, 7 मीटर। बैडमिंटन की शटल में 14 से 16 पंख होते हैं, मुर्गी या बत्तख के ये बने होते हैं। तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि बैडमिंटन में कितनी पंख होते हैं, 14 से 16 होते हैं, इस तरह का ऑप्शन देता है, तो अधिकतर वही ऑप्शन सही होता है, जैसे कि 14 भी दिया है, 16 भी दिया है, 14-16 दिया है, तो 16 वाला सही रहेगा। शटल का वजन जो होता है उस 4.74 से 5.50 ग्राम होता है, बहुत कम वजन होता है, 4.74 से 5.50 ग्राम, बस इतना ही। और शटल की लंबाई जो होती है 62 से 70 एमएम, एमएम का मतलब समझ रहे हैं ना, कि 10 एमएम का मतलब मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 62 से 70 एमएम का मतलब क्या होगा, 6 से 7 सेंटीमीटर। तो शटल की लंबाई कितनी होती है, तो क्वेश्चन में दो तरह का ऑप्शन देगा, 62 से 70 एमएम दे देगा या तो 6 से 7 सेंटीमीटर देगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, तो कितना शटल की लंबाई होती है, 62 से 67 एमएम यानी कि 6 से 7 सेंटीमीटर। शटल के पंखों के ऊपरी सिरों का व्यास, जो ऊपरी सिरे हैं उसका जो व्यास होता है वो 58 से 68 एमएम होता है, एमएम मतलब मिलीमीटर होता है, तो 58 से 68 मिलीमीटर, यदि इसे सेंटीमीटर में कहा जाए तो 5 से 6, ठीक। तो ऊपरी सिरों का व्यास 58 से 68 एमएम, और आधार का व्यास, शटल के आधार जो होता है उसका व्यास 25 से 28 एमएम, तो शटल ऊपरी सिरों का व्यास 58 से 68 एमएम और शटल के आधार का व्यास 25 से 28 एमएम। बैडमिंटन के रैकेट जो है लकड़ी या स्टील के बने होते हैं, ज़्यादातर तो हम लोग स्टील के ही खेलते हैं, बट लकड़ी के भी बने होते हैं, तो रैकेट लकड़ी या स्टील के बने होते हैं। इसकी अधिकतम लंबाई जो है 66 से 68 सेंटीमीटर होता है, रैकेट की लंबाई कितनी होती है, 66 से 68 सेंटीमीटर यानी 27 इंच के लगभग, चौड़ाई 23 सेंटीमीटर, रैकेट की चौड़ाई कितनी होती है, 23 सेंटीमीटर यानी 9 इंच के बराबर, और तार के जो रैकेट होता है उसके जो तार वाला भाग होता है, तो तार के क्षेत्र की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो लंबाई जो होती है 28 सेंटीमीटर होता है यानी 11 इंच, और चौड़ाई जो है 22 सेंटीमीटर यानी 9 इंच होता है। बैडमिंटन में
एकल के लिए एक खिलाड़ी और डबल के लिए दो एक या दो खिलाड़ी होते हैं। तो खेलाधिकारी में रेफरी, अंपायर, सर्विस जज, लाइन जज होते हैं। स्कोरिंग में पुरुषों के लिए 21-21 अंक के 5 सेट होते हैं, महिलाओं के लिए 21-21 अंक के 3 सेट होते हैं। बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर विजेता का फैसला होता है। सर्विस में यदि सर्विस करने वाले के अंक समान है यानी सम है तो दाएं कोर्ट से सर्विस करेगा, यदि विषम है तो बाएं कोर्ट से सर्विस करेगा। तो दोस्तों ये था बैडमिंटन के कोर्ट का मेजरमेंट्स। आगे भी सभी खेलों के मैं मेजरमेंट्स, उसके इतिहास, रूल्स सब कुछ लाऊंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।